खाली आमदनी को दोगुनी करने के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए मुख्तलिफ किस्म के मंसूबे नाफिज किए जा रहे हैं। खेतों की मिट्टी की जाँच के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए नाफिज वजीर आजम मिट्टी जाँच मंसूबे ने खेती को एक नई जिंदगी दी है। पेश है विदिशा से हमारी जमीनी हकीकत पर मबनी ये रिपोर्ट। विदिशा जिले में वजीर आजम मिट्टी जांच मंसूबे के निफाज से खातिर ख्वाह तब्दीली आ रही है। पहले किसान मिट्टी जांच के बगैर मुख्तलिफ कीमियाई खादों का इस्तेमाल करते थे, वहीं अब किसान मिट्टी जांच करवा कर इसमें मुकव्वी अनासर की कमी का पता लगाते हैं और फिर मिट्टी का इस्तेमाल करके ज़रूरी गजाई अनासर की तलाफी कर रहे हैं। किसान अब मिट्टी जाँच के बाद ज़रूरी साइंसदानों के जरिए समझाए गए खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे जहाँ किसान मिट्टी में मुकव्वी अनासर की सही और मुनासिब मकदार का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। जिले में साल 2018 तक 52,000 से ज्यादा मिट्टी जांच कार्ड की तकसीम की जा चुकी है, वहीं आइंदा साल तक 1,62,000 से ज्यादा मिट्टी जांच कार्ड की तकसीम की जाएगी। महकमा ज़राअत जदीद तरीके से रिवाज में आए GPS सिस्टम के तवस्सुत से खेतों का इंतखाब करके सीधे खेत से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर रहा है। प्रधानमंत्री जी मर्गी योजना से किसानों और कृषि विभाग अधिकारी ने समझाया कि इतने दूर से मिट्टी लाओ, परीक्षण करवाओ, तुम्हें कौन सी तत्व की कमी है, इस कारण जो मैंने बताया उसको अपन खेत में डालो, अपनी पैदावार बढ़ती है, कमी आई है, लागत में बहुत कमी आते हैं। जब भी डलवाते हैं अपने बताते हैं ऐसे अधिकारी जी, तो अपने बताते हैं अपनी लागत में कमी आती है, खाद में भी कमी आई, अपन दोनों डालते आधा होगा, इनकम बढ़ोतरी है, बढ़ गई नहीं, फसल बढ़ गई अपनी। इसी कार्ड से हमारे लिए खेती में बहुत सहारा मिला। इससे पहले हम ज़्यादा खाद डालते थे, अब इसके अनुमान से इसके द्वारा बताए अनुसार हम खाद डालने से हमारी दुगनी पैदा हुई। एक तो लागत कम हुई, धान और फसल ज़्यादा हुई। कहीं किसी खेत में पोटास की कमी है, किसी खेत में सल्फर की कमी है, तो हम अब उसी मृदा परीक्षण से हम उसी खाद या उर्वरक को डालते हैं जिसकी उसमें ज़रूरत हो उस ज़मीन में। इससे क्या हो रहा है कि हमें हमारी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। क्या कि हम डाल कुछ रहे थे और हो कुछ रहा था, उपज में भी कुछ अंतर नहीं आ रहा था, लेकिन अब हम जिसकी कमी रहती है वो डालते हैं, तो इससे हमारी उपज में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, हमारी आय भी काफ़ी कुछ अंतर आया है।